कैनिंगटन ओवल में चौथे टेस्ट के तीसरे दिन रोहित शर्मा ने शतक जड़कर भारत को मैच में वापस ला दिया। ये रोहित के टेस्ट करियर का 8वां शतक है। ओली रॉबिन्सन का शिकार बनने के पहले उन्होंने 14 चौके और एक छक्के की मदद से 256 गेंदों में 127 रन की पारी खेली। तीसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने 3 विकेट पर 270 रन बना लिए हैं। कप्तान विराट कोहली 22 और रविंद्र जडेजा 9 रन पर खेल रहे हैं। भारत की लीड 171 रनों की हो गई है। बता दें कि मैच के पहले ही दिन भारत की पहली पारी 191 रनों पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 290 का स्कोर बनाते हुए 99 रनों की बढ़त बनाई। लेकिन रोहित ने शतक लगाकर न सिर्फ भारत की वापसी कराई बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 8वां शतक पूरा किया। इसके पहले उनके द्वारा लगाए गए सभी 7 शतक भारत में आए थे। विदेश में उनका ये पहला शतक है। बतौर ओपनर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा नंबर 1 भारतीय बन गए हैं। उन्होंने सुनील गावस्कर के 4 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 127 रनों की पारी खेल रोहित ने सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के मामले में शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया। धवन के नाम 7 टेस्ट शतक हैं। रोहित शर्मा के खाते में 41 अंतर्राष्ट्रीय शतक हो गए हैं। वे इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम पर 100 शतक हैं। 70 शतक के साथ विराट कोहली दूसरे और 48 शतक के साथ राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर हैं। 16 मैचों में 1462 रनों के साथ रोहित ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरा स्थान अपने नाम कर लिया। उन्होंने 1341 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया। 2188 रनों के साथ जो रूट पहले और 1675 रनों के साथ मार्नस लागूसेन दूसरे नंबर पर हैं। शतक के दौरान 80 रन बनाते ही रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में 3000 रन भी पूरे कर लिए। अब उनके खाते में 43 टेस्ट में 3047 रन हो गए हैं। इस दौरान रोहित ने 8 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर में बतौर ओपनर 11000 से ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा चौथे भारतीय बन गए हैं। 15758 रनों के साथ लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग पहले पायदान पर हैं, जबकि 15335 रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर दूसरे और 12258 रन बनाने वाले सुनील गावस्कर तीसरे पायदान पर हैं।